नाम चौधरी लक्की रामजी भाई है। मैं छनियाना पगा केंद्र पाठशाला से आई हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है वड़गाम, हमारे स्टेट का नाम है बनासकांठा। हम यह कृति हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम अपने भारत को स्वच्छ और साफ देखना चाहते हैं। उसी के तहत मानव गंदगी के निकाल के लिए, पर्यावरण को हानि न पहुँचे एवं स्वच्छ भारत मिशन पूर्ण हो, इसलिए हमने यह आविष्कार किया है। बनाने के पीछे के उद्देश्य, स्वच्छ भारत मिशन पूर्ण हो, सार्वजनिक शौचालय प्रदूषण मुक्त बने, ज्यादा से ज्यादा लोग शौचालय का उपयोग करें। यह कृति बनाने का पीछे का वैज्ञानिक अभिगम, एनारोबिक बैक्टीरिया हजारक श्वसन से जैविक कचरे का विघटन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में करता है। यह कृति कैसे काम करती है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। यहाँ से मानव मल और पानी इस पाइपलाइन के द्वारा प्रथम चैम्बर में आएगा। प्रथम चैम्बर में मानव मल नीचे बैठ जाएगा और ढलान के कारण पानी दूसरे चैम्बर में आएगा। दूसरे चैम्बर में पानी में अशुद्धि होगी, इसलिए छिन्नी द्वारा गलाकर पानी तीसरे चैम्बर में आएगा। तीसरे चैम्बर में हमने KMNO4 रखा गया है, जो पानी को शुद्ध करके अब चौथे चैम्बर में आएगा। चौथे चैम्बर में क्लोरीन रखा गया है, वो भी पानी को शुद्ध करता है और यह अंडरग्राउंड टाकी में आएगा। यह अंडरग्राउंड टाकी में हमने फिट किरी रखी है, जो पानी को शुद्ध करके इस मोटर के द्वारा तहत इस सिंटेक्स में आएगा और बचा हुआ पानी इस नल के तहत यहाँ आएगा और वो गार्डन में यूज कर सकते हैं और सिंटेक्स में फिर से हम टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। यहाँ जो बैठा है वो मल है, वो कॉक के द्वारा इधर आएगा। इसमें एक बैक्टीरिया काम करता है, एनारोबिक, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एनारोबिक बैक्टीरिया हजारक श्वसन से जैविक कचरे का विघटन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण नहीं वत होगा।